एवरीबॉडी, वेलकम टू द डे 5 ऑफ 7 दिन 7 सवाल। तो आज है हमारा डे 5। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं एक नए क्वेश्चन को, और जो आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। मिस्टर धीरज वॉज रनिंग अ शॉप सेलिंग गुड क्वालिटी वॉशिंग मशीन। मिस्टर धीरज की एक बड़ी सी शॉप है जहां पे वो अच्छे क्वालिटी के वॉशिंग मशीन को सेल करते हैं। मिस्टर विशाल उनके शॉप में आए और वॉशिंग मशीन के बारे में इंक्वायरी किया कि जो उन्हें वो वॉशिंग मशीन चाहिए थी जो कि वुलन क्लोथ्स को वॉश करने के लिए सूटेबल हो। ठीक है, मिस्टर धीरज ने उन्हें एक पर्टिकुलर मशीन को दिखाया जो मिस्टर विशाल को अच्छी भी लग गई और मिस्टर विशाल ने पेमेंट भी कर दिया। लेटर ऑन जब मशीन मिस्टर विशाल के घर पे डिलीवर हुई तो ये पता चला कि ये तो रॉन्ग मशीन है और अनफिट है वुलन क्लोथ्स को धोने के लिए। तो बेसिकली मिस्टर विशाल ने इमीडिएटली मिस्टर धीरज को बताया कि आपने तो हमें रॉन्ग मशीन डिलीवर कर दी। मिस्टर धीरज रिफ्यूजेस टू एक्सचेंज द सेम। मिस्टर धीरज ने बोला देखो जो हो गया वो हो गया, कॉन्ट्रैक्ट तो कंप्लीट हो चुका है, हम आपको डिलीवरी भी दे चुके हैं और आप हमें पेमेंट भी दे चुके हैं, तो अब आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से ये डिस्कस करके बताना है क्या मिस्टर धीरज राइट है इन रिफ्यूजिंग टू एक्सचेंज दी वॉशिंग मशीन। मतलब मिस्टर विशाल ने जाकर वॉशिंग मशीन को उनके शॉप से लिया था, करेक्ट। अब जब रॉन्ग मशीन उनके घर पे डिलीवर हो गई है, मिस्टर धीरज मना कर रहे हैं गुड्स को रिफ्यूज कर रहे हैं गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, तब अब क्या किया जाएगा ऐसे में? प्रोविजंस के हिसाब से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के हिसाब से आपको बताना है ऐसे सिचुएशन में व्हाट शैल बी द आंसर, क्या मिस्टर धीरज करेक्ट है कि नहीं है, वी हैव टू डिस्कस हियर। सबसे पहले कंडीशन क्या होता है? कंडीशन मींस अ स्टिपुलेशन व्हिच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है। तो इट्स एन इंप्लाइड कंडीशन। तो अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन 15 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, अगर गुड्स सेल हो रहे हैं एज पर सैंपल एंड एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन, मिस्टर विशाल उनके शॉप में गए थे, सैंपल को देखा था, एक पर्टिकुलर मशीन को देखा था, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उन्होंने क्या किया है, सामान को खरीदा था, तो ये इंप्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स उन्हें दिए जाएंगे वो बिल्कुल सैंपल और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए। अगर इनकेस गुड्स सैंपल या डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं है तो बायर क्या कर सकते हैं? कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। फर्दर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में और क्या चीज लिखी हुई है? एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, क्या आपने ये भी चीज पढ़ी है? अगर बायर सेलर को अपने पर्पस के बारे में बताता है कि गुड्स उन्हें किस पर्पस के लिए चाहिए और वो सेलर के जजमेंट के ऊपर रिलाय करता है, तो ये ड्यूटी है सेलर की कि वो ऐसे गुड्स सप्लाई करे बायर को जो कि फिट हो उनके पर्पस के लिए। So, आपने ये पढ़ा है, ये इंप्लाइड कंडीशन भी है रिगार्डिंग क्वालिटी एंड फिटनेस की, कि अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जब बायर ने अपना पर्पस बताया है और बायर रिलाय कर रहा है ऑन द जजमेंट एंड स्किल्स ऑफ द सेलर, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो ऐसे गुड्स सप्लाई करे बायर को जो कि फिट हो उसके पर्पस के लिए। तो यहां पर हमने प्रोविजन को स्टेट कर दिया। इन द करंट केस जो कि फैक्ट्स है वो आप यहां पर स्टेट करेंगे, दैट इज मिस्टर विशाल ने इन्फॉर्म किया था कि उन्हें वुलन क्लोथ्स वॉश करने के लिए मशीन चाहिए। हाउएवर मशीन जो कि डिलीवर हुई है मिस्टर धीरज द्वारा वो अनफिट है फॉर द पर्पस, जो मिस्टर विशाल को जैसी मशीन चाहिए थी वो बिल्कुल वैसी नहीं है। तो यहां पे कंक्लूजन में क्या बताया है? बेस्ड ऑन द अबव प्रोविजन एंड फैक्ट्स के हिसाब से देयर इज एन ब्रीच ऑफ द इंप्लाइड कंडीशन। क्या यहां पे इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हुआ है? आंसर इज यस। तो ये जो इंप्लाइड कंडीशन ऊपर स्टेटेड है कि अगर गुड्स आप बेच रहे हैं, सेलर अगर गुड्स सैंपल दिखा के या डिस्क्रिप्शन बता के बेच रहा है, तो गुड्स, ये इंप्लाइड कंडीशन है कि गुड्स सैंपल के हिसाब से होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होने चाहिए। यहां पे इंप्लाइड कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, देयरफॉर मिस्टर विशाल कैन ईदर रिप्यूडेट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम द रिफंड ऑफ द प्राइस पेड बाय हिम, और ही मे रिक्वायर मिस्टर धीरज टू रिप्लेस दी वॉशिंग मशीन विच विद डिजायर्ड वन। यहां पे मिस्टर विशाल या तो देखो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो या तो आप, मतलब जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। इस केस में अगर मिस्टर विशाल
रिप्लेस करवाना चाहते हैं मशीन को तो रिप्लेस भी कर सकते हैं, और अगर वो रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो वो रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं, किससे? मिस्टर धीरज से, जो कि सेलर है। तो आई होप ये सवाल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का आपको बहुत अच्छे से समझा। आपने देखा होगा ये जो ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आप प्रोविजन स्टेट करें, फिर फैक्ट्स बताएं, फिर कंक्लूजन दें। अगर आपको सेक्शन याद रहता है तो सेक्शन को कोट कीजिए, वरना नॉट रिक्वायर्ड। ओके, दिस वॉज डे 5। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, सी यू ऑन द डे 6। बाय बाय।